नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 10 लाइव। तो सुशांत के गुजर जाने के 9 महीने बाद आज श्वेता ने एक पोस्ट को शेयर किया है। ये पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत का ही है। ये पोस्ट उन्होंने सबसे आखिरी में किया था, यानी उनके निधन के पहले जो ये आखिर का पोस्ट था वो यही था। इस पोस्ट में देखा जा सकता है कि उनकी माँ की तस्वीर है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी माँ की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही भावुक मैसेज भी लिखा था। अब जो इन्होंने मैसेज लिखा था, इसको लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, कई इस पर डिस्कशन हुई, कई लोगों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की, क्योंकि इस मैसेज में कुछ इस तरह की बात थी जो शायद ये अंदेशा दे रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस मैसेज में कुछ हिडन मैसेज ज़रूर था, जिसको कई लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिकोड किया, अपने अपने हिसाब से समझने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, अब समझने की बात यह है कि सुशांत की फैमिली, उनकी बहनें, उनके जो फादर हैं, वे अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाए हैं। उन्हें अभी भी वो चीज़ें याद आती हैं जो उन्होंने सुशांत के साल पल बिताए थे। श्वेता ने इस मैसेज को, इस पोस्ट को शेयर करते हुए ये भी लिखा था कि इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट आई कैनॉट हैव यू इन फ्लैश एंड ब्लड नाउ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट। और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ भी है। और दोस्तों, मैं भी अब जब उनके पोस्ट देखता हूँ, उनकी पुरानी बातें लिखी हुई पढ़ता हूँ, उनकी फ़ोटोज़ देखता हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना कि ये इंसान अब हमारे बीच नहीं है। इतना इंटेलिजेंट, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ पर्सन, और इतनी अमेजिंग उनका टैलेंट रहा, उनका जो भी उन्होंने आर्ट को, इंटरटेनमेंट को अपना जो भी योगदान दिया, इतना अमेजिंग दिया। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बिलीव करना कि अब ये इंसान हमारे बीच नहीं है। और शायद ऐसा ही कुछ श्वेता भी फील कर रही हैं, ऐसा ही कुछ श्वेता के साथ भी गुजर रहा है, जिसके चलते अब उन्होंने इस तरह का पोस्ट शेयर किया। खैर, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ाई जारी है। हम सभी को सीबीआई का बेसब्री से इंतज़ार है कि सीबीआई क्या वर्डिक्ट निकालती है। उम्मीद करते हैं कि सीबीआई जल्दी ही असली कातिलों का पर्दाफाश करेगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।